उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है और तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। और इसी कड़ी में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की भी मौजूदगी आप देख सकते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव आयोग की टीम भी झारखंड के दौरे पर पहुंची है, तो हम कह सकते हैं कि अब जो तमाम तैयारियां हैं उसको अंतिम चरण में पूरा किया जा रहा है और मुलाकातों का दौर भी देखने को मिल रहा है। अधिक जानकारी के साथ स्टूडियो से हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़े हुए हैं, मदन के पास चलेंगे। मदन, देर रात मुलाकात हुई है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहां पर मौजूद रहते हैं। क्या लगता है मदन, इस मुलाकात में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी? बिल्कुल, देखिए अब झारखंड में चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जो है वो जुट चुकी है और आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनाव के मद्देनज़र ही परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी कर गई है। तो ऐसे में अब ये कोशिश है कि तमाम जो गठबंधन के दल हैं उनके साथ बैठकर एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया जाए। जिस तरह से आपको मालूम है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में आजसू और बीजेपी में सीट के बंटवारे को लेकर के ही एक तरह से गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंची और फिर बाद में वो टूट भी गई, लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है कि अगर किसी सीट पर कोई दिक्कत है तो आपत्ति है तो उनको बैठकर ही दूर कर लिया जाए और एक सामंजस्य के साथ जो है गठबंधन तैयार किया जाए। इसी कड़ी में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली पहुंचते हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। साथ में जो झारखंड के सह प्रभारी हैं बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा वो मौजूद रहते हैं। तो एक तरह से यह कोशिश की जा रही है कि जो सीटें फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, जैसे कि चंदन क्यारी, तमार और ईचागढ़ और लोहरदगा जैसी सीटें जो हैं, इस पर बीजेपी और आजसू दोनों की दावेदारी हैं। तो ऐसे में अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने की कोशिश आपस में बैठकर की जा रही है, एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय हो, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जहां कमज़ोर स्थिति में है वहां आजसू मजबूत स्थिति में है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आजसू कमज़ोर स्थिति में है बीजेपी मजबूत स्थिति में है। तो आपस में बैठकर यह तय किया जा रहा है कि आखिर कौन सी सीटें किसके खाते में जाए जिस पर की जीत हासिल की जाए, और दोनों दलों का ये लक्ष्य है कि इस बार किसी भी सूरत में सत्ता हासिल की जाए, क्योंकि 2019 में इसी जिद और एक तरह से अपनी मांगों पर अड़े रहने की वजह से यह गठबंधन टूट चुका है और जिसका खामियाजा है कि 5 वर्षों तक दोनों दलों को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो अब ये कोशिश है कि एक सामूहिक निर्णय हो, एक आपस में बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश हो और सीट जिस पर जिसकी मजबूत दावेदारी है, जिसकी स्थिति मजबूत है, सांगठनिक रूप से मजबूती है और जिस सीट को जीत कर वो अपने इस आंकड़े को हासिल कर सकता है कि सत्ता में वापस हो सके, तो ऐसे फॉर्मूले के साथ जो है चर्चा शुरू हुई। हालांकि झारखंड में इस बार एनडीए का फोल्डर जो है थोड़ा बड़ा हुआ दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि जेडीयू भी शामिल हो रही है, एलजेपी भी अपनी दावेदारी कर रही है, तो ऐसे में एनसीपी की भी भागीदारी है। तो तमाम दलों को लेकर के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जाता है ये एक मंथन का विषय है और ऐसे में बीजेपी के नेता भी जुटे हुए हैं कि आखिर सभी दलों को साथ लेकर कैसे चला जाए और फिर से एक बार सत्ता में वापसी की जाए। चलिए, तो सीटों को फॉर्मूले को लेकर अभी तक तैयारी हो रही है और दोनों ही ओर से दावेदारियां देखने को मिल रही हैं। आपने कई सीटों का जिक्र किया मदन, जहां पर आजसू की भी दावेदारी है, बीजेपी की भी दावेदारी है, लेकिन देखना होगा कि मंथन के बाद किस पार्टी के हाथ वो सीटें लगती है। और चलिए अब बात करेंगे झारखंड के दूसरे बड़े खबर की।